माय सेवरल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अपने टर्टल का वहाँ पे सेटअप कंप्लीट कर दिया है। तो वो आप लोग मुझे कमेंट कर बताएगा कि वो सेटअप आप लोग को कैसा लगा। तो आइए मैं आप लोग को अपने टर्टल का सेटअप बनाता दिखाता हूँ। वो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था आधा पानी रहेगा आधा मिट्टी रहेगा, सेम वैसे ही है। एंड चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं। मुर्गियों को यहाँ पे चावल देने वाले हैं दोस्तों, ये फीड इनका। तो चलिए हम लोग इनको, इनका केज जो है ना वो ओपन कर इनको हम देते हैं चावल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से सब खाते भी हैं मेरे हाथ में। और ये मुर्गा आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे ताक रहा है। तो इन्हें मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकालता हूँ इसलिए, क्योंकि ये भी छोटे छोटे हैं एंड बिल्लियों का ख़तरा ज़्यादा रहता है, चीलों का, बिल्लियों का। और ये कैमरे में आप देख सकते हो किस प्रकार से आ रहा है। तो मैं नीचे क्या करता हूँ, ऐसे दे देता हूँ, नीचे सभी लोग खा लेंगे। ओ नो। तो ये दोस्तों, तो वो ब्लैक वाला मुर्गा वहाँ पे है, आप देख सकते हो। वो शाम को छत इस पेड़ के ऊपर दोस्तों सोता है, वो घर के अंदर नहीं जाता है। वो दोस्तों दिन भर बाहर घूमता है और शाम को पेड़ के ऊपर दोस्तों सो जाता है। मैं आप लोग को दोनों मुर्गियों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कि एग को हैच कर रही है। यहाँ पे एक ब्लैक वाली मुर्गी है, आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से दोस्तों उसके पीठ के जो बाल हैं वो भी धीरे धीरे उग रहे हैं। एक इसमें है एंड इस केज में एक फीमेल है, आप वहाँ पे देख सकते हो, वो भी दोस्तों अंडों को हैचिंग कर रही है। दोस्तों मैं आप लोग को अब अपने टर्टल का सेटअप दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पहले तो मैं बता दूँ कि यहाँ से मैंने एक स्टिक यहाँ पे थोड़ा सा होल कर यहाँ पे स्टिक को मतलब डाला हुआ है। और यहाँ पे एक मोटा सा है आप देख सकते हो, एंड इसी ने दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से बांधा है, कांटे की सहायता से भी इन्हें टाइट किया अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड पूरा जाल यहाँ पे है जिससे हमारा टर्टल नहीं भाग पाएगा। एंड यहाँ पे मैंने एक टब रखा हुआ है, आप देख सकते हो इसमें पानी है, एंड आधा साइड मैंने मिट्टी से पूरा कवर किया हुआ है ऐसे दोस्तों, और आधा साइड ये देख सकते हो वाटर है। एंड हमारा टर्टल बहुत ही खुश है, अभी जस्ट दोस्तों पानी में था, पानी में से ऊपर आया है। और ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो ये किस प्रकार से मिट्टी के अंदर है, ये जा रहा है मतलब अंदर, आप देख सकते हो। तो अब दोस्तों इसको जब मन करेगा मिट्टी में रहेगा, जब मन करेगा पानी में रहेगा। तो दोस्तों ये सेटअप आप लोग को मुझे कैसा लगा मुझे आप लोग कॉमेंट कर बताएगा। एंड बहुत दोस्तों भाई कॉमेंट आ रहा था कि आप टर्टल का सेटअप कब बनाओगे बनाओगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एक बना दिया है, एंड इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा और टर्टल आएगा, तो दोनों लोग दोस्तों साथ में रहेंगे। यहाँ पे हमारा शेरू आप देख सकते हो जो कि दीवार के ऊपर है। ओह नो, ये तो दोस्तों देख सकते हो ये नीचे चला गया, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा जाएगा अब घूम फिर कर। इस समय पहले दोस्तों बारिश हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सभी पेट्स को अपने कवर कर रखा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे गिनी पिग्स एंड रैबिट्स हैं, इस केज में दोस्तों मैंने ढक कर रखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे रैट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा दोस्तों किस प्रकार से हैं। बारिश की वजह से मैंने ढका, तो थोड़ा सा बारिश मतलब रुका है, तो मैं इन्हें ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे हमारे रैट्स लग रहे हैं, एंड गिनी पिग्स को भी दोस्तों हम ओपन कर देते हैं। एंड ऊपर एक रैट है आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हमारे रैबिट्स को दोस्तों देख सकते, पिग्स को आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं हमारे रैबिट्स एंड गिनी पिग। ये आप देख सकते हो जो दोनों वाइट वाइट कलर की हैं, ये दोनों फीमेल हैं, एंड ये वाला ब्राउन कलर एंड ये ब्लैक कलर वाला मेल रैबिट्स हैं। और पीछे दो गिनी पिग हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे हैं ना। तो आप लोग को मेरे रैबिट्स एंड गिनी पिग कैसे लगे मुझे कमेंट कर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैबेज दिया हुआ है इन्हें इस प्रकार से, तो ये लोग तुरंत ही खाते जा रहे हैं। मैं सोचा कि दोस्तों इन्हें ओपन कर दूँ, तो मतलब कि ये सब ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, तुरंत खा रहे हैं, आप देख सकते हो किस प्रकार से सभी लोग। तो यहाँ पे मैं एक छिलका और दे देता हूँ इसको, एंड हमारा रेड आया हुआ है, रेड का बेबी, तो इसको एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर टुकड़ा दे देते हैं। तो ये इतना अपना लेकर जा रहा है, आप देख सकते हो पीछे अब खाएगा छुप छुप कर। और हमारे रेड्स को तो रैबिट्स को आप देख ही सकते हो, तो इनको हम पूरा ये जो पत्ते हैं ना, तो इनको हम दे देते हैं यहाँ पे, ये लोग पूरा मिक्स खा लेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, एंड इसमें दोस्तों कमी क्या थी तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।